पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के पताही थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव में पानी की परेशानी को लेकर लोगों ने हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दो घंटे बाद पताही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया, लेकिन ग्रामीणों ने समाधान होने तक जाम पर डटे रहने की बात कही। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि गांव में पानी निकासी के लिए नाला नहीं बना है, जिससे पानी सड़क पर जमा होने लगता है, घरों में पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी के जमाव से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ रहता है। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या प्रॉब्लम है? माने प्रॉब्लम यही है कि पूरा माने महाला में पानी भर गया है, ठीक है, डाढ़ भर पानी हो गया, पानी का निकास नहीं हो रहा है। हम लोग मुखिया लैया विधायक लैया कितना बार गए, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को बहुत कष्ट है, हम लोग को बच्चा डूब जाएगा, चाहे रात बिहार कोनो दिक्कत हो जाएगा, तार गिर जाएगा तो हम लोग तो सारा मर जाएंगे उसमें। तो हम लोग का निदान होना चाहिए कि नहीं? नाला नहीं बना है अभी आज तक, कोई नाला नहीं है, नहीं कोई रोड का विकास हुआ है गांव में, न पुल का निकास हुआ है। माने तार हम लोग बांस पर ले जा रहे हैं, उसका भी कोई सूचना नहीं हुआ। हम लोग को माने डाढ़ भर पानी में से दिन रात हेलते हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं। नहीं पानी पीने के लिए दिक्कत है, खाना खाने के लिए दिक्कत है, पर पैखाना के लिए दिक्कत है। आपका नाम? मोतीलाल राम। घर चंपापुर। क्या दिक्कत बा? दिक्कत बा, बारिश रात दिन बरसई बा, पानी निकले न के कन्या विद्यालय के स्कूल के पानी हमनी के घर में भूर फूट के निकले बा, माल बकरी सब पानी में रहले। विधायक मुखिया चाहे वार्ड हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं, नाला नाली नहीं निकल रहा है, तब हम लोग पानी में डूब रहे हैं। चार साल के कालू बच्चा वही में पानी में डूब रहा था, सब जो देखा सब छान चुन के लाया, ना देखा तो बच्चा तो मर जाते। आपका नाम? जी अनीता देवी। घर चंपापुर। थाना? थाना पता है। ठीक है।